Good morning, students. We'll continue chapter number 9, globalization. Okay, we were already doing this chapter, and we have covered a substantial portion of this chapter, and we are trying to understand the globalization and its effect. Now, we have already learned about economic consequences and political consequences. The third consequence we are going to do today, and those are cultural consequences. There is a topic which we studied earlier, ek topic hum pehle padh chuke hain, and wo hai soft and hard issues ke bare mein. Okay, during the Cold War, how America obviously promoted its hard issues and soft issues, and you understand the difference. Soft issues mein culture aata hai, where ek dominant जो कंट्री है वो अपने कल्चर को प्रमोट करती है, एंड उसके प्रमोट करने से वो दूसरे कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, वहाँ के लोगों को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है. दैट इज़ हाउ अमेरिका ऑल्सो यूज दी सॉफ्ट इश्यूज इन दिस इंटीग्रेटिंग यूएसएसआर. यूएसएसआर के लोगों को कन्विंस करने के लिए उन्होंने इस कल्चर का सहारा दिया, that capitalism is better than socialism, that democracy is better than one party rule. ये चीज़ उन्होंने पहले अचीव करनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अ डायरेक्ट वॉर विद USSR, उन्होंने इन सॉफ्ट इश्यूज़ को प्रमोट करके एक तरीके से कोल्ड वॉर को जीता था. ओके, तो वो एक मेन फैक्टर था सॉफ्ट इश्यूज़. ये सॉफ्ट इश्यूज़ ही कल्चर है. ओके, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज. ग्लोबलाइजेशन में भी हम देखते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने कोल्ड वॉर में USSR को इन्फ्लुएंस किया था, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट जिनके कल्चर्स हैं, वेस्टर्न कल्चर में मेनली अमेरिकन कल्चर एंड यस यूरोपियन कल्चर ऑल्सो, तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है ये क्योंकि डोमिनेंट है, पोलिटिकली दे आर डोमिनेंट, इकोनॉमिकली दे आर डोमिनेंट, दैट इज़ वाई इनका कल्चर बाकी जो लेस डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इन कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं, इन कल्चर्स का उनके कल्चर्स पे इन्फ्लुएंस होता है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, हाउ कल्चरल व्हाट आर द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन हम समझ चुके हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ मार्केट्स होते हैं, सभी देशों का एक दूसरे से जुड़ना वो ग्लोबलाइजेशन है, ये आप समझते हैं. लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस, काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं, एंड ये थर्ड कॉन्सिक्वेंस हम पढ़ रहे हैं, विच इज कल्चरल कॉन्सिक्वेंस. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी. तो केवल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में ही ग्लोबलाइजेशन का असर नहीं होता है. ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अस इन आवर होम्स. इसका अफेक्ट हमारे घर के अंदर होता है. हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हमारी रूटीन क्या होती है, हम किस तरह का सामान खरीदते हैं, ग्लोबलाइजेशन इन सब चीज़ों पर ऑब्वियसली उसका असर पड़ता है. सो ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अस इन आवर होम, इन व्हाट वी ड्रिंक, व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर एंड हाउ वी थिंक. ओके, इसका ग्लोबलाइजेशन का असर इन सब चीज़ों पर भी होता है. द कल्चर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फियर दैट दिस प्रोसेस पोजेस अ थ्रेट टू कल्चर्स इन द वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट कल्चर्स है वर्ल्ड में, ओके, रिचनेस ऑफ कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में सभी लैंग्वेजेस को हटा दिया जाए और एक ही लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, सभी रिलीजन्स को हटा दिया जाए और एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाए, या सभी जो उनके फूड हैबिट्स हैं या जो उनके फेस्टिवल्स हैं, अगर इन सब को हटा कर एक यूनिफॉर्म दिया जाए, तो वी विल बी लूजिंग दैट डाइवर्सिटी जो हमारे कल्चर में है. एंड उस डाइवर्सिटी की वजह से ही रिचनेस आती है. एक दूसरे का कल्चर एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, देन ऑब्वियसली सोसाइटी प्रोग्रेसेस. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ग्लोबलाइजेशन एक थ्रेट बन गया है फॉर कल्चर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. जो उतने डोमिनेंट कल्चर्स नहीं है, उन्हें डर है कि हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस
American culture, which has become a dominant culture, and because every person in the world today is trying to adopt that culture, तो वो जो पुराने cultures हैं कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, तो एक threat ज़रूर है। यही threat था China पर। If you see कि जब colonialism होना शुरू हुआ and Silk Roads के समय में we see that China was much ahead, and then suddenly China decides that they will close their doors, they don't have much to do with the world, and उन्होंने बाहर के लोगों को चाइना में एंट्री बंद कर दी, चाइनीज ने बाहर जाना पसंद करना बंद कर दिया, वो जाना उन्होंने छोड़ दिया, एंड दे क्लोज देयर सोसाइटी बिकॉज उन्हें डर था कि बाहर का जो इन्फ्लुएंस है उससे उनकी सोसाइटी में फ़र्क आ सकता है, एंड दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर कल्चर, दे वर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर कल्चर, वो आज भी है, एंड वो अपने कल्चर को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव है, इसलिए उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड से अपना कनेक्शन तोड़ दिया था, उसका उन्हें उनसे नुकसान भी उठाना पड़ा, और यूरोप काफ़ी हद तक आगे निकल गया और चाइना पीछे रह गया, जिसकी भरपाई चाइना अब कर रहा है। ओके, तो हम देखते हैं कि चाइना जो कि उसको डर था कि उनका कल्चर पर कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना आ जाए, अब इनफैक्ट चाइनीज़ कल्चर ही एक डोमिनेंट कल्चर बन गया है और वही बाकी कल्चर्स पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ रहा है। ओके, सो हियर ग्लोबलाइजेशन में से एक ये प्रॉब्लम आया, अ थ्रेट टू द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो बाकी कल्चर्स हैं उन्हें काफ़ी हद तक डर महसूस हुआ है कि हमारा कल्चर ख़त्म हो सकता है, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो डोमिनेंट कल्चर ऑफ द वेस्ट है वो काफ़ी हावी हो गया है। ओके, एंड ग्लोबलाइजेशन एक और चीज़ करता है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ए यूनिफॉर्म ग्लोबल कल्चर। ओके, एंड वो लगभग ज़्यादातर देशों में हम देखते हैं कि उनके लैंग्वेज, उनके फूड हैबिट्स, उनके जो बाकी चीज़ें हैं वो सब सिमिलर होने लगती हैं, एंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट मच, और एक ग्लोबल कल्चर हो जाता है। जैसे गोइंग टू अ मॉल एंड शॉपिंग, this is has become a global culture now, whether you are in India, whether you are in America, or you are in London, or you are in Shanghai, no matter in which part of the world you are, sab jagah shopping ek hi tarike se hoti hai, and ye hai because obviously pehle to aisa nahi hota tha, there must be different ways how markets must be organized, but now we see markets are more or less organized in the same way. We see the online business taking place throughout the world in the same manner. तो एक global culture हावी होने लगता है, एंड लोगों की जो सोच होती है वो भी एक uniform thinking हो जाती है। Okay. So the culture effect of globalization leads to the fear that global that this process poses a threat to the cultures of the world. It does so because globalization leads the rise of a uniform culture or what is called cultural homogenization, sare cultures ka ek similar culture hona, okay, sare cultures ek jaise ho jana, ek dusre mein mix hoke ek uniform culture ho jana, use hum kahenge homogenization of cultures. The rise of a uniform culture is not the emergence of a global culture. Okay, globalization does not lead to a uniform, in fact here I should be writing that the rise of a uniform culture is not the emergence of the global culture. Globalization does not lead to a uniform global culture. Okay, what we have is the name of a global culture in the imposition of western culture on the rest of the world. तो ऐसा नहीं है कि बाकी कल्चर्स एकदम ख़त्म हो जाते हैं, होता ये है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो बाकी कल्चर्स को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। ओके, बाकी कल्चर्स रहते हैं लेकिन वो एकदम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, और एक ही सिंगल कल्चर नहीं रह जाता दुनिया में, बट बाकी कल्चर्स पर जो ये अमेरिकन कल्चर है वो तरीके से हावी हो जाता है, उसका इन्फ्लुएंस वो इम्पोज करने लगता है अपने आपको बाकी कल्चर में। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फिनोमेना एट द सॉफ्ट पावर ऑफ US हेगेमनी, ये वही टॉपिक है सॉफ्ट पावर की, वही एक तरीके से हम रिपीट
रिपीटिशन है यहाँ पर, और वहाँ कंटेक्स्ट डिफरेंट है, वहाँ कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे सॉफ्ट इश्यूज को, और यहाँ पर हम इसे ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। सो व्हाट बेसिकली अगर मैं सम अप करूँ तो वो बहुत सिंपल है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू अ थ्रेट टू द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो अलग अलग कल्चर्स हैं उन्हें उनको एक थ्रेट पहुँचा है ग्लोबलाइजेशन ने, और एक यूनिफॉर्म ग्लोबल कल्चर नहीं उभर के आया है। लेकिन हुआ ये है कि जो अमेरिकन जो वेस्टर्न कल्चर है उसने बाकी कल्चर्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, ख़त्म नहीं किया है कम्प्लीटली बट डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। एंड उसके एग्जांपल्स हैं ये पॉपुलैरिटी ऑफ बर्गर, ब्लू जीन्स, ये उस डोमिनेंस ऑफ अमेरिकन कल्चर के एग्जाम्पल हैं। तो द पॉपुलैरिटी ऑफ अ बर्गर और ब्लू जीन्स सम आर्ग्यू हैज अ लॉट टू डू विद द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। दस द कल्चर ऑफ द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकली डोमिनेट सोसाइटी। यहाँ पर पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेट सोसाइटी कौन है? यहाँ पर एक ही सुपर पावर है अमेरिका, और यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है कि द कल्चर ऑफ द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकली डोमिनेट सोसाइटी दैट इज अमेरिका लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन ए लेस डेवलप्ड सोसाइटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट कल्चर ऑफ द पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेट सोसाइटी लीव्स एन इम्प्रिंट, उसका एक इन्फ्लुएंस जो लेस डेवलप्ड सोसाइटी होती है उस पर आ जाता है। ओके, दोज हु मेक दिस आर्ग्यूमेंट, इसी को इसी के लिए एक टर्म यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड मैकडोनल्डाइजेशन, क्योंकि मैकडोनल्ड अमेरिका की कंपनी है एंड ये बहुत रैपिडली इसका इन्फ्लुएंस हुआ है दुनिया के हर पार्ट में। हम देखते हैं कि एवरीवन नाउअडेज इज कंज्यूमिंग दोज बर्गर्स जो कि मैकडोनल्ड्स ने पॉपुलर किए थे। तो इसको हम मैकडोनल्ड को हम एसोसिएट करते हैं अमेरिकन कल्चर से, तो अमेरिकन कल्चर के लिए जो टर्म यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड मैकडोनल्डाइजेशन। ओके, सो मैकडोनल्डाइजेशन ये कुछ नया नहीं है, मैकडोनल्डाइजेशन बेसिकली मीन्स डोमिनेंस ऑफ अमेरिकन कल्चर। ओके, सो द मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विद कल्चर सीकिंग टू बाय इनटू द डोमिनेंट अमेरिकन ड्रीम। जो डोमिनेंट कल्चर होता है वो दूसरे कल्चर के लोगों को एक ड्रीम पोज करता है कि लुक इफ यू अडॉप्ट आवर कल्चर देन यू विल प्रोग्रेस लाइक अस, एंड दैट इज हाउ द पीपल ऑफ अदर कल्चर्स स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कल्चर। ऐसा ही अमेरिकन कल्चर के साथ हुआ है, अमेरिकन कल्चर ने वो एक ड्रीम दुनिया के सामने रखी है कि इफ यू अडॉप्ट आवर कल्चर, इफ यू अडॉप्ट आवर वे ऑफ लाइफ देन you will also progress and be happy like us. Okay, this is dangerous not only for the poor countries, aur ye khatarnak hai jaisa humne bataya ki jo less dominant societies hai poor countries hai unke liye khatarnak hai ye, this is dangerous. So this is dangerous not only for the poor countries but for the whole of humanity. Humanity ki growth hum hamesha mante hain कि जितना फ्रीडम हो लोगों को, जितने डिफरेंट कल्चर्स हों उतनी उसकी ग्रोथ एंड उसका एडवांसमेंट उतना अच्छा होता है। फॉर इट लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ग्लोबल ऑफ द एंटायर ग्लोब। तो जो अलग अलग डिफरेंट रिच कल्चर्स हैं कहीं ना कहीं वो कल्चर्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एट द सेम टाइम इट वुड बी अ मिस्टेक टू अज्यूम दैट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव। और ये मान लेना कि हमेशा जो डोमिनेंट कल्चर है उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, ये भी गलत है। कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग्स, कल्चर्स का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होता है। ओके, ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, अमेरिकन कल्चर भी कोई स्टैटिक नहीं है। अमेरिकन कल्चर जो 1960s-70s में था और जो आज है उसमें भी डिफरेंस है, कल्चर्स की चेंजिंग वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, दे आर एवर चेंजिंग थिंग्स। Cultures are not static things. Cultures are accept outside influences all the time. Some external influences are negative because they reduce our choices, but sometimes external influences simply enlarge our choices.
एंड समटाइम्स दे मॉडिफाई आवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशन. तो बिना हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को ख़त्म किए वो हमें नए ऑप्शन देता है. ये इंडिया के इंडियन कल्चर में काफ़ी सही फिट होता है कि हमने अपना कल्चर नहीं छोड़ा है, हमने अमेरिकन कल्चर को काफ़ी हद तक अडॉप्ट किया है. ओके, वी हैव स्टार्टेड ईटिंग लाइक दैम, वी हैव स्टार्टेड वियरिंग दी क्लोथ लाइक दैम, बट देर आर ओकेजन्स. ओके, इफ इट इज़ अ मैरिज सेरेमनी, इफ इट इज़ होली एंड दिवाली, इफ इट इज़ अ फेस्टिवल्स, we have not obviously left our culture completely. Indian culture still exists and हम जो traditional चीज़ें जैसे पहले करते थे वो आज भी करते हैं. हम पर influence हुआ है American culture का, but that does not mean कि हमारा culture ख़त्म हो गया है. हमें एक choices ज़्यादा मिल गए हैं. पहले हमारे पास Indian culture में जो था we only had Indian culture, now we have Indian culture plus the culture of the West and we have this option to adopt both of them. Okay, हमारे एक तरीके से देखें इंडियन सोसाइटी को देखें तो इंडियन सोसाइटी के पास choices बड़े हैं. ओके, एंड दिस यू कैन लर्न फ्रॉम द काइंड ऑफ फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट. सो वी आर सेलिब्रेटिंग होली, वी आर सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन, वी आर सेलिब्रेटिंग ओणम, दिवाली, एवरी इंडियन फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग. वी हैव नॉट स्टॉप्ड सेलिब्रेटिंग देम. But in addition to this, we are also celebrating Christmas, we are also celebrating New Year, we are also celebrating the Easter and other festivals. Okay, so that is our choices have widened. Our food, if we take for instance, then we take an example from South India, then they are still consuming their traditional food, they are still eating their idli and sambar and dosa and all, but they are also consuming these burgers and pizzas and all. So their choices have increased. That does not mean that by the coming of McDonald's, by the coming of pizza, that does not mean that their culture, their food habits and their food culture has totally finished. No, that exists. Only that people now have a wider choices. ओके, तो हमारे चॉइसेस बढ़ गए हैं पहले से. ओके, आई थिंक दैट एग्जांपल इज देयर, दे आर गिविंग दैट एग्जांपल. ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली इनलार्ज आवर चॉइसेस. तो हमारे चॉइसेस बड़े हैं, हमारा अपना ट्रेडिशनल कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है, बट हमें अपने ट्रेडिशनल कल्चर के साथ साथ एडिशनल वेस्टर्न कल्चर के चॉइसेस भी मिल गए हैं. ओके, so the burger is no substitute for a masala dosa. Okay, that does not mean ki burger aa gaya hai to masala dosa khatam ho jayega. It is only that people now have a choice, that yes, they have a choice that they can consume masala dosa, and also if they want, they have the choice of burger as well, and therefore does not pose any real challenge. It is simply added to our food choices. Blue jeans on the other hand can go well with a homespun khadi kurta. To ye influence hai, ye culture ka mixing of cultures hai, that we are wearing a kurta but we are also wearing a jeans. So jeans and kurta, jeans is symbolizes American culture, kurta symbolizes Indian culture. So influence on each other, okay, and we have better choices. Okay, outside influence is a new combination that is unique, a khadi kurta worn over jeans. Interestingly, this clothing combination has been exported back to the country that gave us blue jeans. And iska matlab ye hai ki aisa nahi hai ki American culture nahi hame influence kiya hai, hamare culture ne bhi unhe influence kiya hai. Americans are also seen wearing kurta. Okay, they are also seen sometimes in different functions, they are seen wearing Indian sarees, dancing on Indian Bollywood songs. So our culture has also influenced them. Okay, not to the same degree, unke culture ka jitna influence hum par hua hai, shayad utna degree ka influence hum par nahi hua hai, but yes, our culture has also influenced American culture. So sometimes a less dominant culture also has some influence on the dominant culture. Okay, so Americans wearing kurta and jeans, that is an example.
While cultural homogenization is an aspect of globalization, the same process also generates precisely the opposite effect. Less dominant culture का influence, dominant culture पे होना उसका ये उसका opposite effect होगा. Okay? This phenomenon is called cultural heterogenization. इसे हम cultural heterogenization कहेंगे. Okay? जहाँ पर dominant culture पर भी लेस डोमिनेंट कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है. ओके, तो चॉइसेस हमारे बढ़ रहे हैं, चॉइसेस उनके भी बढ़ रहे हैं. दिस इज नॉट अ डोंट टू डिनाई दैट देयर रिमेन्स डिफरेंसेस इन पावर व्हेन कल्चर्स इंटरैक्ट, बट इंस्टेड मोर फंडामेंटली डू सजेस्ट दैट कल्चरल एक्सचेंज इज रियली वन वे. तो एक तरफा नहीं है कल्चरल एक्सचेंज, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे पर होगा, हमारे कल्चर का भी इंफ्लुएंस उन पर होता है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल अबाउट अमेरिका एंड इंडियन. सेम इज द केस विद अमेरिका एंड अदर कल्चर्स, चाइनीज कल्चर्स और कल्चर्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, इस्लामिक कल्चर. ओके, एंड ऑफ कोर्स इवन वी सी गेट टू सी दिस इन अफ्रीकन कंट्रीज. ओके, दैट देयर कल्चर इज ऑल्सो नाउ गेटिंग पॉपुलैरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड. India and globalization, let us see how that relationship has worked out. We said earlier that globalization has occurred in earlier periods in history in different parts of the world. Flows pertaining to the movement of capital, commodities, ideas and people go back several centuries in Indian history. So, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए globalization. हम पहले भी इसका हिस्सा रहे हैं, हमारे यहाँ से goods, cultures, ideas, सब चीज़ें जाती रही हैं. ओके, सो दिस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड आइडियाज एंड कैपिटल एंड लेबर, इंडिया हैज बीन पार्ट ऑफ दिस. दिस इज नॉट न्यू, ओनली व्हाट वी आर सीइंग इज द डिग्री ऑफ फ्लो, वो बढ़ गया है. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड भी हम देखते हैं कि इसका भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटेन इंपीरियल एम्बिशंस. इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर, हम बन गए प्राइमरी गुड्स के. पहले हम एक्सपोर्टर थे फिनिश गुड्स के, एंड हम रेवेन्यू हम ज़्यादा हमें उससे फ़ायदा होता था. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम यहाँ से प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट होते थे ब्रिटेन, एंड ब्रिटेन से आते थे फिनिश गुड्स. सो इंडिया बेसिकली बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. तो यहाँ से जाता था रॉ कॉटन एंड कपड़ा बनकर आता था ब्रिटेन से. ओके, इंडिपेंडेंस के बाद बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस की वजह से हमें अपने मार्केट्स को बंद करना पड़ा, और हमने इस सिस्टम को इसलिए ख़त्म करने की कोशिश इसलिए की बिकॉज ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, और इंडस्ट्रीज वर रुइंड. ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद द ब्रिटिश, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्व्स रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स. वी ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस, सो दैट आर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स. दिस प्रोटेक्शनिज्म इसको हम कहेंगे. हमने अपने कंपनीज को, अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें ग्रो करने के लिए टाइम दिया, सो दैट बाहर की कंपनीज अगर आएंगी तो हमारे कंपनीज को टाइम नहीं मिलेगा, उन्हें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इसको किया गया कि हमने बाहर से कंपनीज को या गुड्स को, मूवमेंट को बंद किया. While some advances were made in certain areas, critical sectors such as health, housing and primary education did not receive the attention they deserved. तो उन चीज़ों में private companies ज़्यादा interest लेती है जहाँ पर profit ज़्यादा होते हैं, क्योंकि primary education, health care, housing इन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए किसी private company ने इनमें interest show नहीं किया और ये sectors पीछे रह गए. ओके, इंडिया हैज़ अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत स्लो थी, लेकिन 1991 में हमने अपने मार्केट्स को खोला. हमारे पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई और जहाँ पर हमें एक तरीके से ऑप्शन भी नहीं था, एंड देन वी हैड टू ओपन अ मार्केट. एंड इंडिया एम्बार्क ऑन अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैज़ सॉट इंक्रीजिंगली टू डी रेगुलेट वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरन. While it may be too early to say how good this has been for India, the ultimate test is not high growth rates as making sure that the benefits of growth are shared so that everyone is better off. So basically, इसमें अभी बहुत ज़्यादा negative और positive impact की बात नहीं की गई है,
यहाँ पे एनालाइज नहीं किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडिया पर क्या हुआ है, यहाँ पे क्योंकि ये इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं एंड दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, दैट इज वाई इसमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस नहीं किया गया है कि क्या इंडिया को फ़ायदा मिला है ग्लोबलाइजेशन का और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं। ओके, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन दैट इज देयर इंडिया एंड द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, तो ये एक तरीके से सेम ही टॉपिक्स होंगे। एक तो हम देखते हैं कि दुनिया की तरफ से क्या रेजिस्टेंस हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के लिए एंड इंडिया किस तरह से रेजिस्ट कर रही है ग्लोबलाइजेशन को। ओके, नॉट एवरीवन इज हैप्पी विद ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, देर आर लॉट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लॉट ऑफ नॉन गवर्नमेंट एनजीओज हैं, कई लोग हैं, कई इकोनॉमिस्ट हैं जिनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन से हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट बिलीव दैट द बेनिफिट्स आर मोर एंड द ड्रॉबैक्स आर लेस। ओके, तो यही है, ये एक डिफरेंस है लोगों के सोचने के नज़रिए में कि ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा ज़्यादा हुआ है या नुकसान ज़्यादा हुआ है। ओके, सो वी कंटिन्यू विद दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर and moving on to this another book and there obviously we'll be taking up the first chapter of the second book. Okay, so we are into the last chapter of this book and probably the last topic, and in the next class we'll be covering that topic. Thank you, that's all in this class.